हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं तवा नान। तवा नान बनाने के लिए हमने ये सबसे पहले 3 बाउल मैदा लिया है। ये हमने 1 टीस्पून चीनी ली है और इसमें से हम 3 टीस्पून दही का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने आधा कप से थोड़ा ऊपर दूध लिया है और थोड़ा सा हम लेंगे नमक। तो सबसे पहले ये मैंने मैदे को छान लिया है और मैदा मैंने इसमें जो यूज़ किया है वो मैंने शक्ति भोग का मैदा यूज़ किया है मैंने इसमें। तो सबसे पहले हम मैदे को छान लेंगे और एक बाउल में हम डालेंगे दूध। दूध डाल दिया है मैंने, थोड़ा सा मैंने इसमें बचा दिया है, थोड़ा ज़्यादा लिया था मैंने। इसमें डालेंगे हम 3 टीस्पून दही, 1 टीस्पून मैंने चीनी ली है, 1 टीस्पून हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक लिया है। इसको अब हम अच्छे से मिक्सचर कर लेंगे। मैंने अच्छे से मार लिया है इसको। ये अच्छे से मर गया है हमारा। अब हम आटे में 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। बीच में हल्का सा होल बना के हम ये मिक्सचर इसमें मिक्स करेंगे। और पानी की सहायता से आटे को हम गूंदेंगे। आटा हमारा गूंद के बिल्कुल तैयार है, देखिए सॉफ्ट हो गया है ये। अब हम इसे अच्छे से ढक के 4 से 5 घंटे किसी गर्म जगह पे रख देंगे जिससे कि अच्छे से तैयार हो जाए। 5 घंटे हो गए हैं, अब हम देखेंगे हमारा आटा रेडी हुआ है। पानी को निकाल रहे हैं, देखिए हमारा आटा फूल के कितना तैयार हो चुका है। अब हम इसमें हल्का सा तेल लगा के थोड़ा सा और इसको हलाएंगे। इसमें हल्का सा मैं तेल लगाऊंगी और इसमें हल्का सा तेल डाल दिए, हम इसको थोड़ा सा और हलेंगे। तो ये मैंने सारी गोलियां बना के तैयार कर ली है। अब हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। इसको हम सूखे मैदे में हल्का सा लगाएंगे और इसको हम बेलेंगे। फ्रेंड्स, आपकी जैसे आपको पसंद हो, आप राउंड शेप में बेल सकते हैं इसको, ओवल शेप में बेल सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो वैसे। ऐसे हम इसको बेलेंगे, देखिए आटा इसका बहुत ही स्टफ हो गया था। ये बेल दिया है मैंने, इसको मैं हल्के हाथों से ऐसे ऐसे उंगलियों से दबा लूँगी जिससे कि नान फूले नहीं, फूली हुई नान अच्छी नहीं होती है। और इसमें अब हम लगाएंगे पानी। ये हम इसमें पानी लगाएंगे, हल्का लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। पानी लगा लिया है और पानी वाली साइड को हम तवे के ऊपर डालेंगे। ये एक तरफ से हमने इसे सेक लिया, हम इसको तवे को उल्टा करके हम इसे दूसरी तरफ से सेकेंगे और हम तवे को उठा के भी देख सकते हैं ऐसे कि हमारी नान सिक रही है या नहीं। ये देखिए, हल्की आंच लगाइए इसमें, ज़्यादा नहीं, नान जल भी सकती है। तो मैं इसको उठा के देख भी रही हूँ कि नान हमारी रेडी हो रही है या नहीं। से हमारी नान जल गई है, हम इसे हल्का सा पीछे से देखेंगे, हम इसे पीछे से बिल्कुल रेडी है ये। हम इसका हल्का सा इसको सेकेंगे
और ये हमारी नान रेडी हो चुकी है। हमने इसके ऊपर मक्खन लगा दिया है और इसको हम गर्मा गर्म किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के संग खा सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, हैव नाइस डे, बाय।